उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलझोड़ी में टीचर कम रहने के कारण से विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है। गिरिडीह जिले के फुलझोड़ी गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलझोड़ी में ग्रामीणों ने लगाया कई आरोप, जो कि अध्यापक अशोक पंडित, अनुज कुमार, अध्यक्ष चेतलाल मोहली और समस्त सदस्य विद्यालय में न तो सही से खाना मिलता है और न ही बाथरूम साफ सफाई करते हैं। और वहीं बताते चले कि विद्यालय में कंप्यूटर सिस्टम भी मिला है मगर उसमें ताला लगा हुआ है। और विद्यालय के अध्यक्ष चेतलाल मोहली ने अपने विद्यालय में जो भी भोजन में उपयोग सामान लगता है वह राशन दुकान में बकाया रखते थे, मगर राशन दुकान में लगभग 11,500 रुपये बकाया है और स्कूल के अध्यक्ष ने अभी तक उनको पैसा नहीं दिया है। और राशन दुकानदार का नाम बाल मुकुंद वर्मा बताया जा रहा है। और जब वह अध्यक्ष को बकाया शुल्क मांगते हैं तो वह बोलते हैं कि दे देंगे। और वहीं जब राशन दुकानदार सर के पास जाते हैं तो सर बोलते हैं कि अध्यक्ष देंगे और दोनों की तरफ से टालमटोल किया जा रहा है राशन दुकानदार के साथ। और वहीं स्कूल में 1 से 8वीं तक की क्लास में तकरीबन 300 बच्चे पढ़ते हैं मगर 2 शिक्षक होने के कारण से पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो रही है। और वहीं सर की मांग है कि यहां पर टीचर को बढ़ाया जाए, अगर टीचर नहीं बढ़ेंगे तो पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है। और वहीं जब इस मामले को लेकर विद्यालय के अध्यक्ष से बात करने का प्रयास किए स्टार सिटी 24 के संवाददाता नवीन कुमार ने, तो उन्होंने उनका फ़ोन नहीं लगा और ना ही वो विद्यालय पहुँचे। नमस्कार, जोहार। अभी हम लोग झारखंड राज्य के गिरिडीह ज़िले के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय फुलझोड़ी में मैं मौजूद हूँ। और ज़्यादा समय यहाँ क्यों मौजूद हूँ और आखिर क्या मामला है, आज हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण लोग हैं और जनता लोग हैं, उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे। जी बताइएगा, स्कूल में क्या कुछ आप लोगों को दिखा? बहुत दिक्कत है सर। सबसे पहले तो यहाँ टीचर की कमी है, 2 टीचर है जबकि 180 बच्चा पढ़ते हैं। एक टीचर रहते हैं, एक टीचर तो अपने काम में लगे रहते हैं लंद फंद करने में। एक बच्चे, एक टीचर जो कि है पारा टीचर है, वो कितना संभालेगा यहाँ। इसलिए टीचर की कमी के कारण से बहुत बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, दिन भर यहाँ खेलते रहते हैं। ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा एक घंटा पढ़ते हैं, बाकी तो सब इधर उधर रहते हैं, जबकि एक टीचर कितना संभालेगा। इसलिए दरख्वास्त है कि यहाँ की सरकार से हमारे निवेदन है, एक कम 2 से 3 टीचर बहाली किया जाए। दिक्कत हो रहा है। हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है जी। 180 बच्चे के संभालना मुश्किल हो जा रहा है। एक जो हेडमास्टर है वो रहते हैं, वो तो सिर्फ अपने बच्चे के काम कागज पत्र पर लगे रहते हैं, वो तो पढ़ाने लिखाने में तो व्यस्त रहते नहीं है। एक टीचर करते हैं वो तो कितना करेगा वो जी। इसके लिए सरकार से दरख्वास्त है, झारखंड सरकार से निवेदन है कि यहाँ की सहयोग करें और इससे ज़्यादा का कुछ बोल सकते हैं जी। स्कूल में और भी कुछ कमियां हैं क्या? बहुत कमियां हैं सर। जैसे बताइए। जैसे कि पानी का नल सब टूट गया है, पानी का टंकी नहीं है जी, बाथरूम सफाई नहीं है, बहुत कमियां हैं, खूबियाँ यहाँ पे वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप प्रशासन और पदाधिकारी से क्या कुछ मांग कर? जिसमें एक स्कूल और होना चाहिए, जितना बच्चे पढ़ते हैं उतना तो यहाँ मेरे एडमिशन भी नहीं होते जी। 8वें क्लास तक ही पढ़ाई होता है, उसके बाद तो कुछ होते ही नहीं यहाँ पे, जबकि यहाँ से दूर 7 किलोमीटर लड़कियों को जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। बहुत ऐसी है कि बच्चे को पढ़ने पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है जी। तो आप प्रशासन और पदाधिकारी से क्या कुछ मांग करते हैं? भाई, एक स्कूल और टीचर की बहाली की ज़रूरत है जी, और क्या मांगेंगे जी। धन्यवाद। बताइएगा आप कुछ स्कूल में क्या कुछ कमियां हैं? स्कूल में जैसे कि कमी है, जैसे कि हम लोग का पानी का मतलब सुविधा बच्चों लोग को नहीं मिल पा रहा है जी। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि मतलब बच्चा लोग को थोड़ा मतलब पानी वगैरह में दिक्कत हो रहा है तो देने में सहयोग करें जी। आज खाना क्या मिला है? खाना में आज चना दाल है। अच्छा। और चना दाल का सब्जी है और चावल है। हरा सब्जी नहीं है? हरा सब्जी नहीं चलता है, मतलब अभी बंद है। अभी बंद है? कितने दिन से बंद है? कोई लगभग 1.5-2 महीने से बंद है। खाना रेगुलर मिल रहा है? खाना रेगुलर पता नहीं, बीच में बंद हो जा रहा है। जब अध्यक्ष नहीं चलाने खोज रहा था तो चलाना वैसे कौन चलाएगा, इसमें बंद हो गया था। बंद हो गया था बीच में, फिर सर खुद अपने चला रहे, सर अपने पर लेके चला रहे, मतलब सर अपने से चला रहे। हाँ, अपने से चला रहे।
जी आप बताइएगा आपका क्या कुछ मामला था। जी मैं तो बगल गांव का हूँ रोड़िया से, मेरा नाम बालमुकुंद कुमार वर्मा है जी। और ये एमडीएम का जो भी था उसका दुकान का सामान मेरा ही दुकान से आता था प्रॉपर। और फिलहाल कुछ दिनों से मेरा ड्यू लगभग 29-30 हज़ार जब हो गया तो मैंने अध्यक्ष को बोल दिया कि मैं इससे ज़्यादा अब उधार नहीं दे सकता हूँ, मेरा पेमेंट कुछ भुगतान किया जाए फिर मैं सामान दूंगा जी। उसके बीच अध्यक्ष बार बार हमें ये कहते थे कि हमें चेक नहीं मिला है, सर चेक देंगे तो हम भुगतान करेंगे। और फिर मैंने सर से भी कांटेक्ट किया तो सर ने बताया कि मैंने सारा पेमेंट अध्यक्ष को दे दिया है जी। फिर मैंने अध्यक्ष से बात किया, अध्यक्ष बोलते कि पेमेंट नहीं मिला। मैंने एक साथ दोनों को जमा किया और फिर पता चला कि नहीं निकासी होगी, हम कुछ निकाल के अपना निजी काम में लगा दिए हैं, हम आपको दे देंगे। फिर इंस्टॉलमेंट में देने की बात कर रही थी और कुछ पैसा बीच में हमें बहुत ज़्यादा पंचायती वगैरह अध्यक्ष पर किए तो कुछ पैसा हमको दिए। अध्यक्ष का नाम क्या है? चेतलाल मौली हैं। कहाँ के रहने वाले? ये फुलजोरी गांव का, यही गांव के हैं। तो आप इतना उधार दे दिए तो फिर आप कितना दिन से उसको मांग रहे थे कि अभी तक नहीं दिया? मेरा 15 दिन उधार ड्यू हुआ और मांगना स्टार्ट कर दिया। उसके बीच में बोले कि सर बाहर चले गए हैं इसलिए पेमेंट ड्यू हो रहा है, मिल जाएगा पेमेंट। कितना दिन पहले आप उससे मांगे थे, मतलब कितना दिन से आपका बकाया है? बकाया मेरा लगभग 1-1.5 महीना से बकाया है। उधर थोड़ा थोड़ा ड्यू चलते जाता था। अच्छा, बढ़ते जाता था। हाँ, तो लास्ट में जब हैवी ड्यू हो गया तो मैंने बंद कर दिया। फिर सर ने रिक्वेस्ट किया फ़ोन करके कि दे दीजिए। चेतलाल मौली बीच में कहीं चल गए। फिर सर स्कूल से दबाव आने लगा कि एमडीएम बंद नहीं होना चाहिए, भुगतान तो हो ही जाएगा आपको। तो सर के कहने पर मैंने फिर भी सामान दिया। फिर और भी अनुज सर हैं, हेड सर के कहने पर दिए। यहाँ जो रसोईया है वो भी खाना मतलब लाने के लिए चल गई। मैंने सोचा कि चलो स्कूल को क्यों बाधित करें, पेमेंट भले लेट से मिल जाएगा। अभी वर्तमान समय में क्या है, मेरा दुकान से सामान बंद कर दिए और सर खुद कोई दूसरा दुकान से सामान ला रहे हैं। हम भुगतान का जब बात करते हैं तो बोलते हैं अध्यक्ष से बात कीजिए, अभी एमडीएम हम चला रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं जी। अब क्या कुछ प्रशासन और पदाधिकारी से क्या कुछ मांग करते हैं इस मामले को लेकर के? इसमें हम यही चाहेंगे कम से कम इसको नहीं रहा है तो हम 1.5-2 महीना से इतना सारा ड्यू पड़ा हुआ है तो ये भुगतान हमारा हो जाए जी। हालांकि आप देख सकते हैं अभी हम लोग फुलजोरी गांव में हैं और कहीं ना कहीं इनका दुकान चलता है, दुकान से इनका पेट चलता है। और कहीं ना कहीं जो स्कूल के जो अध्यक्ष हैं वो इनका बकाया अभी लगभग 29-30 हज़ार रुपया रख लिए हैं और इनको मिल नहीं रहा है, तो ये दुकान चलाएंगे कैसे और इनका पैसा देंगे कौन? जब ये मांगते हैं अध्यक्ष से तो सर के पास जाता है, सर को वो बोलते हैं तो अध्यक्ष के पास जाता है, मतलब टाल मटोल किया जा रहा है। आखिर कब तक इनको पैसा मिलेगा? चलिए अभी हम बात करेंगे अध्यक्ष, स्कूल के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और सर से भी हम बात करेंगे इस मामले में, और बात करने के बाद फिर और भी आगे हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी क्लास के अंदर मौजूद और मैं बच्चे से लोग से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ ये सबको भोजन मिलता है, पढ़ाई क्या होता है, थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे जी। बताइएगा नाम क्या हुआ? राकेश मोहनी। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है? पता नहीं। नहीं सर। पढ़ता नहीं है क्या? पढ़ते हैं सर। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हुआ? गणित। गणित। गणित क्या पढ़ा? समझ में नहीं आता पढ़ने के। समझ में नहीं आता जो पढ़ता है? नहीं सर। अच्छा, खाना मिलता है? जी सर। क्या क्या मिलता है? दाल, सब्जी। सब्जी में क्या? सब्जी में आलू, सोयाबीन। सोयाबीन डेली यही मिलता है कि और भी दूसरा दूसरा सब्जी बदल बदल मिलता है? पता नहीं, हम तो आ जाए। आ जाए। नाम क्या हुआ? सतीश मोहली। अच्छा, क्या कुछ यहाँ पे आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हुआ? सामाजिक। सामाजिक 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 विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जी। अच्छा, संस्कृत। संस्कृत सर। संस्कृत पढ़ाया। संस्कृत जी सर। पढ़ाई हुआ था? जी सर। अच्छा, थोड़ा हुआ था सर। थोड़ा था जी सर। मतलब थोड़ा सा मतलब नहीं समझे? एक घंटा सर। एक घंटा पढ़ाई हुई जी सर। और खाना पीना क्या मिलता? खाना पीना मिलता है सर। क्या? भात, दाल, आलू। सब्जी क्या मिलता है? सब्जी आलू मिलता है डेली जी सर। साग जी सर। साग सब्जी कुछ नहीं मिलता है? नहीं सर, नहीं सर। आलू सौ भरी बनता है सर। और कंप्यूटर टीवी भी आया सर, लेकिन वो देता नहीं है सर। कंप्यूटर आया है? जी सर, कंप्यूटर टीवी भी आया सर। कौन दे? सर सब टीचर भी कमी है सर स्कूल में। कितना दिन पहले आया था? बहुत हो गया होगा सर, 1-2 महीना। एक दो महीना? 2 महीना हो गया जी सर जी। हालांकि आप पे देख सकते हैं बच्चा लोगों को पूछ रहे क्या पढ़ा है, तो एक बार संस्कृत तो एक बार थोड़ा कंफ्यूजन खुद हो रहा है। पढ़ाई क्या क्या हुआ? संस्कृत पढ़ाई हुआ है। कितना घंटा पढ़ाई हुआ? एक घंटा। एक ही घंटा हुआ है अभी तक? सर। अच्छा, सर कुछ लिखाए थे? सर। क्या लिखा था? दिखाइए सर। नहीं लिखे, कॉपी नहीं लिखी है? नहीं। अच्छा, खाना के लिए मिलता है?
दाल भात सब्जी। अच्छा, पानी उनी सुविधा है? हाँ है ना। अच्छा, कौन सा क्लास है आपके? सिक्स क्लास है ना। हाँ। अच्छा, हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे लोग हैं ये कहीं ना कहीं जो बता रहे थे पढ़ाई में भी इनको मतलब हमको लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि टीचर कम है। दो टीचर है तो क्या होता है ना कि मैनेज करने में, अभी तो एडमिशन भी हो रहा है तो एक जगह पे एडमिशन करना, एक जगह पे क्लास लेना, वो भी 8 क्लास तक है ना, 1 to 8 तक है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टीचर को बढ़ाना बहुत ही आवश्यकता है। और हालांकि बच्चे लोग तो अभी कुछ पढ़ाई कर नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह से हमको लग रहा है, कुछ लिखा है? देखिए, कुछ लिखा नहीं है तो बोल ही सकते कि कुछ अभी पढ़ाई नहीं हुआ है। और हालांकि अभी यहाँ पे हम स्थानीय जो टीचर हैं टीचर से बात करेंगे, और जो टीचर से और जो अध्यक्ष है उनसे भी हम बात करेंगे, और तब तक है वो हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम जानेंगे। जी बताइएगा, आपके अंडर में जो अभी यहाँ पे जो भोजन जो चल रहा है वो कौन कर रहे हैं? अध्यक्ष। तो अभी तो यहाँ पे जैसे देख रहे कि अध्यक्ष यहाँ पे नहीं है। हाँ, तभी नहीं है अध्यक्ष, अभी सर लोग चला रहे हैं। जी, जैसे इनका एक दुकान वाले जो है भैया, इनका एक आरोप था कि मेरा 30,000 बकाया है, लेकिन अभी तक हम मेरा नहीं मिला, इनमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? उसमें हम क्या कहेंगे, मतलब अध्यक्ष से पूछना पड़ेगा, अध्यक्ष को, अध्यक्ष से बात कीजिए। जी, अध्यक्ष क्या बोलेगा तब ना कुछ होगा। जैसे उसका जो पैसा आता है उसमें आप साइन किए थे क्या? हाँ, अध्यक्ष को पैसा मिल गया है, अब अध्यक्ष दिया कि नहीं वो हम नहीं बता सकते। मतलब अध्यक्ष को पैसा मिल गया लेकिन दिया है कि नहीं वो आपको पता नहीं है। लेकिन आपने वहाँ पे दे दिया? हाँ, दे दिया। जी, अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में? उसमें हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते क्या? तो हालांकि आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो संयुक्ता जो है वो बोल रही है कि हम साइन कर दिए हैं, पैसा भी अध्यक्ष को मिल गया, लेकिन अध्यक्ष इनको क्यों नहीं दे रहे, इनको दौड़ा क्यों रहे, क्योंकि जबकि इनका दुकान है और जबकि ये सामान दिए हैं, ये तो किसी को भीख नहीं मांग रहे, ये तो अपना पेट का अपना पैसा मांग रहे, अपना कमाई का, लेकिन इनको मिल नहीं रहा। चलिए अभी हम अध्यक्ष से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले चीज है कि आपके स्कूल में जो है बाथरूम में जैसे साफ सफाई नहीं, इनमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? गर्मी छुट्टी के बाद से 2 बार अब तक बाथरूम साफ करवाया जा चुका है, परंतु कुछ बाहरी लोग भी आकर के उसको गंदा कर देते हैं, बार बार साफ करवाने के बाद भी ये समस्या बनी रहती है। जी सर, आप बाथरूम में ताला लगाते हैं? नहीं, ताला लगता है लेकिन सब गांव वाला के तोड़ दिया है, सब गाँव पूरा नल क्षतिग्रस्त कर दिया, चापाकल अभी हाल में ही गर्मी छुट्टी के बाद अपने पैसे से मैं बनवाया हूँ, उसके लिए PHED विभाग को फोन करने के बाद भी नहीं आया, तो हम लोग अपने पैसे अपने स्वयं के पैसे से बनवाए। ये इसके बाद फिर नल का सारा सिस्टम गांव वाला गर्मी छुट्टी में तोड़ दिया, और कुछ कोरोना काल में, और अभी पानी का दिक्कत है, पानी दोनों चापाकल चल रहा है लेकिन रनिंग वाटर मेरे यहाँ नहीं चल रहा है। जी, जैसे सर अभी हर एक स्कूल में मरम्मती को लेकर के कलर को लेकर के सबको फंड मिला हुआ था, पैसा मिला, तो आपने क्या अपना? मेरे यहाँ नहीं चल रहा। जी, जैसे सर अभी हर एक स्कूल में मरम्मती को लेकर के कलर को लेकर के सबको फंड मिला हुआ था, पैसा मिला, हाँ ठीक, तो आपने क्या अपना स्कूल का मरम्मती करवाया? हाँ, जो पिछले बार 50,000 रुपये दिए गए हम लोग विकास फंड में, उसे कलर का काम किया गया और रंग रोगन और लिखवाने का काम हुआ, और जो बाकी का काम जो बचा हुआ है इस बार के फंड से पूरा किया गया। बाकी का मतलब कब तक होगा, क्योंकि अभी पैसा इस साल का नहीं आया? पैसा नहीं आया? नहीं आया इस साल, PFMS अकाउंट से होता है, क्योंकि अब अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के पहले पूर्व में ऐसा ही होता था, लेकिन अब PFMS खाते में आता है, जीरो बैलेंस, स्कूल के खाते में 0 पैसे है, वो PFMS बैलेंस के रूप में आता है, वो खर्च करके और ठेकेदार के बिल में जाता है के अकाउंट में पेमेंट होगा, तो पैसा भी नहीं मिला। जी, इस वक्त मध्याह्न भोजन जो है जी, उनमें यहाँ पे बच्चे लोग भी बोल रहे हैं और ग्रामीण लोग भी बोल रहे हैं कि सिर्फ आलू सोयाबीन या आलू की सब्जी मिलता है। नहीं, गलत बात है, सब्जी भी मिलती है, लेकिन इधर 15 दिनों से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पूर्व के अध्यक्ष और संयोजिका के द्वारा विद्यालय को असहयोग करने के कारण, और अध्यक्ष के द्वारा जो अभी अध्यक्ष के द्वारा चलाया जा रहा था पिछले 1 साल से, और उसके द्वारा मैंने कि असहयोग करने के कारण, और अभी अस्थायी व्यवस्था के रूप में मैं अपने पैसे से तब तक खिला रहा हूँ उधार लेकर दूसरे दुकान से, मैंने विभाग को लिखा है और विभागीय कार्रवाई के तहत प्रखंड से
क्या नाम है माता समिति सरस्वती वाहिनी को भंग कर दिया गया है और नए अध्यक्ष संयोजिका के लिए हमें बोला गया है कि आगे की तैयारी करें और नए अध्यक्ष संयोजिका बनेंगे वो आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके कारण से पैसे की निकासी नहीं हो पा रही है जिसके कारण समस्या आ रही है। जी सर, एक जो दुकान से आप या जो अध्यक्ष थे राशन उनमें लगभग 29-30 हज़ार रुपया बकाया जिनमें की टाल मटोल किया जा रहा है, बोलते कि सर देंगे, आप बोलते कि वो अध्यक्ष देंगे, तो इसमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी तक जो चलाया जा रहा था अध्यक्ष चतलाल मोहली और ललिता देवी के द्वारा स्कूल जितना पैसा जो मंथली बिल बनता है उसका चेक काट के दे दिया गया है और दुकानदार के बीच का मामला है। अध्यक्ष को महोदय को पेमेंट करने के बाद वो दुकानदार को देता है या नहीं देता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है अध्यक्ष पिछले बार छोड़ने के पहले बोला कि सर 5,000 रुपये करीब बाकी है मेरा जो हमको देना है, और जो पिछले बार का जो बकाया था गर्मी छुट्टी से महीने के आने के बाद अध्यक्ष ने कहा कि सीधे दुकानदार के खाते में पैसा ट्रांसफर कीजिए, तो हमने दुकानदार के नाम से चेक कटवा के उन लोग साइन करवा के दे दिया जी। तो इन्होंने बोले कि 29-30 हज़ार रुपया वो जानेंगे और उनका दुकानदार और उनका अध्यक्ष जानेंगे, वो स्कूल का मामला नहीं है, स्कूल का उससे कोई संबंध नहीं है। जी जी सर, एक और मामला था जो कि आपके स्कूल में कंप्यूटर शर्ट आया हुआ है जी, इनमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? विभाग के द्वारा DRDA के द्वारा अभी 11 सेट कंप्यूटर भेजा गया है, प्रिंटर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लेकिन उसको कैसे आगे प्रोसेस होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसे विभाग के द्वारा बताया जाएगा वो हम लोग आगे कार्रवाई शुरू करेंगे, उसके लिए शिक्षक दिया जाएगा या फिर कौन पढ़ाएंगे और वो ICT क्लास की व्यवस्था होगी, उसके लिए वायरिंग की व्यवस्था करना, कंप्यूटर सेट लगाना, ये सब विभाग का काम है, अब विभागीय आदेश का इंतजार है। तो मतलब कि वो जो है वो भी ताला बंद करके रखा होगा अभी तत्काल में सरकार, नहीं बच्चे लोग यूज नहीं कर पा, सरकार का जब चालू करने उसका आदेश होगा उसके बाद ही कुछ होगा, क्योंकि वो भी उसके लिए कोई कंप्यूटर टीचर नहीं है और जब टीचर आएंगे तो उसके लिए व्यवस्था की जाएगी और जब विभागीय जो आदेश होगा वैसे में, वैसे बहुत सारे विद्यालयों में आया है, सबके यहाँ यही स्थिति है। सर जैसे 1 से लेकर के 8 क्लास तक यहाँ पे सभी छात्र लोग आते हैं और आप लोग मात्र 2 टीचर जी, इनमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी हमारे यहाँ 1 से लेकर 8 वर्ग में 169 बच्चे का इनरोलमेंट है, जिसमें प्रतिदिन मेरे विद्यालय की उपस्थिति 105 से लेकर के 110 के बीच रहती है और कभी कभी 120 तक पहुँच जाती है, और इन परिस्थितियों में विद्यालय चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है और हमारे यहाँ केवल 3 कमरे हैं तो 1 कमरे में कंप्यूटर और अन्य सामान रखा हुआ है और बहुत सारे विद्यार्थियों को बरामदे में एडजस्ट करना पड़ता है और दो कमरे में 1 कमरे में 6 से 8 लड़कियों को बैठाया जाता है और 1 कमरे में 1 से 5 और कुछ बच्चों को बरामदे में, और हम दो शिक्षकों के द्वारा अपने तरफ से जितना हो संभव हो हम लोग देने का प्रयास करते हैं कि बच्चे साक्षर पढ़ लिख जाएं, और इसके अलावा विभागीय काम का हम लोग पर बहुत ज़्यादा दबाव है, आते के साथ हम लोगों को प्रतिदिन थी कभी क्या कहते हैं खाता खोलने का रिपोर्टिंग, कभी जन्म प्रमाण पत्र का, कभी जाति का, ये सब विभागीय भी। हाँ, दो ही शिक्षक टीचर हैं लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं कर पाते। हाँ, एक जन करेंगे तो एक जन क्लास। हाँ, हम एक सरकारी और एक पारा शिक्षक है जी। और ऊपर से विभागीय में क्या कहते हैं बैठक का भी को देखना पड़ता है और रिपोर्टिंग का भी, ज़रूरत से ज़्यादा रिपोर्टिंग से हम लोग परेशान हैं। तो आप क्या कुछ मांग करते हैं यहाँ? यहाँ मांग करते हैं कुछ शिक्षक दिए, शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, ये मेरे ग्रामीणों से भी मांग है, सरकार के से भी मांग है और विभागीय पदाधिकारियों से मेरा आग्रह निवेदन है कि कुछ शिक्षकों की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे रेगुलर क्लास चल सके। जैसे बच्चे लोग के क्लास के अंदर हम गए तो उनसे हम जानने का प्रयास वो बता ही नहीं पाते कि कौन सब्जेक्ट पर कभी ये तो कभी वो। हाँ, ऐसा इसलिए है कि अभी किताब 1 से 8 में 1, 5, 7 और 8 किताब अभी आया है और मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है, बाकी जो रेगुलर विषय FLN और कुछ ज्ञान सेतु से कुछ पढ़ाया जा रहा है और जो रेगुलर क्लासेज होंगी पूरा किताब सब बच्चों को मिल जाएगा, उससे प्रोसेस होगी। अभी तक किताब मिला कि नहीं सर? अभी 1, 5, 7 और 8 का मिला है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया सबको। हाँ सब।